माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने देश की मन को ठीक से पढ़ के फिर एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। भारत सरकार नागरिकों को अपने खर्चे से टीका लगाने की जिम्मेदारी लिया था। जनवरी से अप्रैल अंत तक ऐसे ही योजना चली। कुछ राज्यों की आग्रह से, कुछ लोगों की सुझाव से राज्य को क्यों इन्वॉल्व ना किया जाए, फिर 1 मई से टीका की 25% लगाने की जिम्मेदारी राज्यों को दिया गया। तब भी 50% टीका भारत सरकार मुफ्त में उपलब्ध कराती रही, लेकिन उसके बाद भी देश में टीका को लेके बहुत बड़ा असमंजस्य रहा। ये सारा विषय को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, विशेष करके प्रधानमंत्री जी ने अपने जवाबदेही, अपने राजनीतिक कौशल्यता और उन्होंने एक संवेदनशील जिम्मेवार निर्णय आज उन्होंने किया है। आने वाले कुछ दिनों के बाद यानी 21 जून के उपरांत राज्यों को भारत सरकार 75% टीका, जितना टीका उत्पादन होगा देश में उसकी 75% टीका भारत सरकार खुद खरीद के राज्यों को उपलब्ध कराएगी। उसके अलावा 25% टीका उद्योग समूह या जो संपन्न लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल से खरीद के लगा सकते हैं। उसमें भी एक शर्त आज उन्होंने घोषणा किया है, जो निर्धारित मूल्य से कुछ ऊपर लेके एक कैपिंग उन्होंने आज घोषणा किया, राज्य सरकार उसकी निगरानी करेंगे। मैं मानता हूं इस बीच में देश की वैज्ञानिकों ने, देश की लैबोरेटरीज ने पर्याप्त मात्रा में टीका दुनिया की अन्य देशों की तुलना से काफी तेजी से टीका उपलब्ध करा रही है। आने वाले 2021 अंत होते होते भारत की लगभग लोगों को टीका लग जाएगा, यह आत्मविश्वास सभी की है। प्रधानमंत्री जी ने फिर आज एक ऐतिहासिक निर्णय किया, देश को आश्वस्त किया, दुनिया में भारत अपनी इच्छा शक्ति और अपनी जुझारू मन को फिर स्थापित किया। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। वैसे ही उन्होंने और एक महत्वपूर्ण घोषणा आज किया, फर्स्ट फेज कोरोना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मुफ्त में अन्न व्यवस्था किया गया था, चावल और गेहूं 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो प्रति माह उपलब्ध कराई गई थी 8 महीने के लिए। इस बार भी प्रारंभ में 2 महीने के लिए उपलब्ध कराया गया, बाद में उसको दीपावली तक यानी लगभग नवंबर तक फिर उसको इस बार भी जिम्मेदारी लिया गया है। इसी को संवेदनशील नेतृत्व कहा जाता है, इसी को जिम्मेवार नेतृत्व कहा जाता है। प्रधानमंत्री देश की आवश्यकता को देखते हुए सही कदम उठाया है।